हेलो डियर फ्रेंड्स, वंदे मातरम। वेलकम टू न्यू लेक्चर ऑफ द जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। आई रिपीट, इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी हैव लर्न अबाउट द इंडक्टिव इफेक्ट। सो अगेन वी आर बिगिन विद द इंडक्टिव इफेक्ट। दोस्तों इसी में आगे बढ़ना है। अप टू द लास्ट लेक्चर हमने क्या पढ़ा है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, उसके पास्ट आई मीन टू से प्लस आई एन दी नेगेटिव है, उसकी रिलेटिविटी विद द रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कलाइड्स, एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड्स एज वेल एज अल्कोहल एंड द फिनोल। नाउ वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिसिटी ऑफ द डिफरेंट बेस ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट। सो स्ट्रेंथ ऑफ बेस दैट वी आर गोइंग टू लर्न। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, स्ट्रेंथ ऑफ बेस किस टर्म में हम पढ़ने वाले हैं। सपोज हियर दिस इज अमोनिया, अमोनिया इज अ बेस विद थ्री लोन पेयर। अभी यहाँ पे दोस्तों विद दी अमोनिया एक H plus is there, this nitrogen is ready to donate the electron and we will get NH4 plus ion. Okay, NH4 plus ion that we will get. Conjugated acid रहेगा, this is the base. इसको भी दोस्तों base क्यों बोल रहा है, किस तरह का base है, this is work as a Lewis base. The terminology for the Lewis base is electron donors are nothing but the Lewis base. ये दोस्तों हमारा equilibrium chapter बाकी है, so that आपको एकदम ठीक से पता ना हो, सो मैं आपको रिपीट कर दूं, लुईस बेस आर नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन डोनर। सो अमोनिया ने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट किया। सपोज विद दैट अमोनिया, सपोज ये अमोनिया है और उसके पास दोस्तों यहाँ पे सपोज CH3 है इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तीन हाइड्रोजन थे वहां पे दोस्तों, दो हाइड्रोजन एज इट इज है और तीसरा यहाँ पे क्या है CH3 है। इसकी इफेक्ट क्या है, पॉजिटिव है, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। और उसी तरह से दोस्तों विद द नाइट्रोजन, सपोज हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड थर्ड से वैलेंसी ऑफ द नाइट्रोजन इज विद द एनी ग्रुप जिसकी इफेक्ट माइनस आई है, नेगेटिव इंडक्टिव। सो उससे क्या हो सकता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस लेक्चर। सो स्ट्रेंथ ऑफ द बेस, अ कंपाउंड इज सेड टू बेसिक इन नेचर इफ इट इज कैपेबल टू एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर पाएगा दोस्तों, यहां पे आप देखो ये NH3 ने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनिया बनाया। वो कौन सी दोस्तों टर्म हुई, वो हुई डोरी बॉन्डेड। डोरी बॉन्डेड एसिड बेस टर्मिनोलॉजी ये थी, जो प्रोटॉन डोनेट कर सकता है दे आर एसिड, जो प्रोटॉन गेन कर सकता है एक्सेप्ट कर सकता है दे आर बेस। सो वो टर्म में भी ये बेस है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है, मीन टू से लुईस बेस भी और डोरी बॉन्डेड भी बेस है। बेस स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज अ टेंडेंसी टू डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर फॉर अ शेयरिंग डिफरेंट इन बेस स्ट्रेंथ इन वेरियस एमाइंस। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, सपोज यहाँ पे ये ओनली अमोनिया है NH3, तो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। यहाँ पे उसके साथ एक CH3 जिसकी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दैट वी ऑलरेडी यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो टू मिथाइल ग्रुप्स आर देयर विद द पॉजिटिव इंडक्टिव। तो यहाँ पे थ्री डिफरेंट ग्रुप विद द पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और लास्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, Cl- इसकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट है। सो इसकी क्या इफेक्ट हो सकती है ऑन द बेसिक नेचर, वो दोस्तों देखना है। बट बिफोर दैट एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट। द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। द प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी व्हाइल माइनस आई इफेक्ट डिक्रीज। सो दोस्तों जितनी प्लस आई ज्यादा उतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, उतनी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा। तो नेगेटिव वो क्या करेगा, उल्टा दोस्तों नेगेटिव करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये सभी नाइट्रोजन को सपोर्ट कर पाएंगे प्लस आई वाले, अगर तेरे को कोई दिक्कत नहीं वी आर देयर। बट ये क्या करेगा, अगर तूने किसी को इलेक्ट्रॉन दिए तो भी मेरे को तो देने ही पड़ेंगे। सो नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी और प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी। उससे क्या हो सकता है, लेट अस सी, the amines are stronger base than ammonia, but yahan pe yaad rakhna dosto, aliphatic amines are stronger base than ammonia as alkyl group increase the electron density on the nitrogen due to positive effect, while cl and h2, ye ammonia ye fir se dosto and h2 aur third is cl, so jaise iski positive hai iski kya hai negative hai, so cl and h2 is less basic due to negative inductive effect. So hum kya keh sakte hai, so more is the tendency to donate electron pair coordination with the proton,
मोर इज बेसिक नेचर। सो इन शॉर्ट दोस्तों, ये नाइट्रोजन जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है उसके पास जितनी ज्यादा पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप है उतना ये इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर पाएगा। सो इसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। सो अभी दोस्तों ये एग्जांपल में आपको समझ आएगा। यहाँ पे अमोनिया भी थ्री हाइड्रोजन, सो देयर इज नो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज मिथेनामाइन। मिथेनामाइन में इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, दिस इज एक्चुअली CH3NH2। मिथेनामाइन इज मोर बेसिक देन अमोनिया बिकॉज ऑफ वन पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। दिस इज डाइमिथेनामाइन, व्हाट वी कैन से नॉट डाइमिथेनामाइन, इसको बोल सकते हैं एन मिथाइल मिथेनामाइन, एन मिथाइल मिथेनामाइन। सो एन मिथाइल मिथेनामाइन में दोस्तों दो पॉजिटिव, यहां पे तीन है। सो इससे ज्यादा ये है, इससे भी ज्यादा, और ये फिर कम हो जाएगा दोस्तों, बिकॉज़ यहां पे इसकी ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, ये तो स्टैंडर्ड है। बट क्लोरीन हैज नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, सो उसकी बेसिसिटी डिक्रीज होगी। सो इन शॉर्ट दोस्तों आपको क्या याद रखना है, जितनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बेसिसिटी ज्यादा, जितनी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा बेसिसिटी कम। ओके, दिस इज फॉर द बेसिसिटी एंड दिस इज फॉर द इंडक्टिव इफेक्ट, क्लियर। देन उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखेगा, दस द बेसिक नेचर डिक्रीज इन द ऑर्डर। दोस्तों यहाँ पे C2H5NH, I mean to say nitrogen के साथ एक hydrogen है, वो दो अलग अलग चेन है, which is ethyl chain, C2H5 and C2H5. उससे कम किसकी है? Only C2H5NH2. CH3CH2 is actually NH2. So ये 2 degree amine है, ये 1 degree amine है, only methane amine है, only ammonia है। और यहाँ पे दोस्तों अमोनिया से भी कम क्यों है? Because of negative inductive effect. So आप यहाँ पे अगर ठीक से देखो तो आपको ये देखने को मिलेगा, जैसे अल्काइल ग्रुप बढ़ रहे हैं उसके साथ इसका बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, और जैसे अल्काइल ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, आई मीन से पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वाले ग्रुप डिक्रीज हो रहे हैं उसके साथ इसकी बेसिसिटी भी डिक्रीज हो रही है। सो ऑर्डर ऑफ द बेसिसिटी इज गिवन बिलो। अल्काइल ग्रुप ये दोस्तों मोस्ट टाइम पे पर्टिकुलरली यहाँ पे आपको कुछ सर, ये R2NH2 से ज्यादा बेसिक है वो पता चला, बट ये तो क्या हुआ, ये तो टर्सरी हुआ, ये तो सबसे ज्यादा आई मीन टू से यहाँ पे होना चाहिए, इसको यहाँ पे क्यों रख दिया? इन केस ऑफ मिथाइल, आई मीन टू से R इज मिथाइल, मैं यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, सपोज CH3 थाइस, नॉट थाइस ट्वाइस, इनटू NH एंड मिथाइल मिथेनामाइन, दिस इज ओनली RNH2, it means CH3NH2, CH3NH2. This one is R-thys-N. So 3S-CH3-thys. So सबसे ज्यादा बेसिक ये होना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे तीन ग्रुप है जो मैंने यहाँ पे बता दिया था। So ये सबसे ज्यादा बेसिक, ये सबसे कम बेसिक, और ये सॉरी ये सबसे ज्यादा, ये उससे कम, और ये लास्ट में होना चाहिए, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता दिया आपको। अभी दोस्तों ये सीक्वेंस में यहाँ पे लोचा आएगा, अब जब 3 डिग्री हो, इसको उठा के मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, इससे कम है ये बताने वाला हूँ, ऐसा क्यों? ये रीजन के लिए दोस्तों हमको पढ़ना पड़ेगा 12 साइंस अमाइंस, देयर इज वन चैप्टर अमाइंस। सो ये मोस्ट टाइम पे लिखना है, और इसके साथ दोस्तों ये भी लिखना है कि ऐसा क्यों है दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन 12 साइंस अमाइन चैप्टर में पढ़ेंगे। सो अभी के लिए आप चाहो तो इसको याद रख सकते हो, ये सीक्वेंस फॉर दी मिथाइल फॉर दी इथाइल, ये स्पेशल केस है। नीचे नोट्स में इसके लिए दोस्तों कंक्लूजन दे रखा है, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट फॉर अस टिल नाउ, सो 12th में ही पढ़ेंगे। सो ये दोनों कंपलसरी दोस्तों मोस्ट टाइम पे पॉइंट याद रखना है, और इसका एग्जैक्ट रीजन आपको पता चलेगा 12th में अमाइन में। बट रदर देन इतना याद रखना है, जितनी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा उतनी बेसिसिटी ज्यादा होगी। अभी दोस्तों जैसे हमने के ए एसिड के लिए के ए और पी के ए की बात की थी, यहाँ पे बेस के लिए क्या होगा, के बी एन पी के बी, आई रिपीट के बी एन जी पी के बी, ये दोस्तों याद रखना है। अभी के बी और पी के बी में आपको क्या याद रखना है, दोस्तों जितना के ए ज्यादा उतना पी के ए, सॉरी यहाँ पर मैंने पी के बी लिख दिया, पी के ए कम उतनी एसिडिटी ज्यादा, सिमिलर वे जितनी के बी ज्यादा उतनी पी के बी की वैल्यू कम उतनी बेसिसिटी, के बी ज्यादा पी के बी कम बेसिसिटी ज्यादा। सो सपोज दिस इज बेस बी प्लस एंड ओ एच माइनस, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर अभी बाकी है, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों क्या होगा,
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दी प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्शन, उससे आपको मिलेगा के बी, फ्रॉम के बी यू कैन डिराइव पी के बी। यहाँ पे आपको पता चल रहा है ये पी के बी जिसकी कम है इसकी बी के बी सबसे कम है, सो इसकी बेसिसिटी सबसे ज्यादा होगी, ये दिमाग में रखना। सिमिलर विद दिस, पी के बी ज्यादा पी के बी कम बेसिसिटी ज्यादा, क्लियर? ओके फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे बेसिक नेचर ऑफ द अल्कोहल। एक्चुअली अल्कोहल्स आर एसिड, बट इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट वी कैन क्लासिफाइड अल्कोहल एज अ बेस आल्सो। व्हिच टाइप्स ऑफ बेस यू कैन से दे आर लुईस बेस। हाउ वी कैन प्रूव इट, यू कैन सी दिस इज द अल्कोहल विद द टू लोन पेयर इन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप H plus or any other electron deficient atom is come closer to the alcohol and we will get protonated alcohol like this. So here we can see they are proton acceptor or electron donor. So Lewis base bhi keh sakte hai aur Lowry Bronsted bhi base keh sakte hai. As we discuss, as the positive inductive effect increase, the basic nature decrease. Ye already dosto baat ho chuki hai. So jaldi se isko main fir se revise karane ja raha hu. Here you can see 3 degree alcohol with the more positive effect, a positive inductive effect group 1, 2 and 3, R1, R2 and R3. Here only methane alcohol or only ethanol, only one positive inductive effect group is there. So actually they are less basic, ethanol is less basic in comparison to these types of 3 degree alcohol. Okay. Then we are going to talking about the fission or bond cleavage. You can see fission or you can see cleavage or you can see bond breaking. आप तीनों में से किसी भी वर्ड का यूज कर सकते हो, फिशन भी बोल सकते हो, क्लीवेज भी बोल सकते हो, बॉन्ड ब्रेकिंग भी बोल सकते हो। सपोज दिस हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन विद द वन इलेक्ट्रॉन शेयरिंग, सो दे आर विद द अटैच विद द कोवेलेंट बॉन्ड। इफ वी आर गोइंग टू ब्रेक डाउन दिस बॉन्ड, टू पॉसिबिलिटीज देयर, ईच हाइड्रोजन गोज विद वन इलेक्ट्रॉन एंड कन्वर्ट इन टू फ्री रेडिकल्स, that is the homolactic fission. Second option is because of some reasons one hydrogen with goes with the all two electron of the side pair and convert into hydride and another one convert into H plus proton. So this is the heterolactic bond fission. ये topic दोस्तों अपने already discuss किया था in our previous lecture, so इसको मैं speed में चलाऊंगा। जब हम बात कर रहे थे hyperconjugation की और inductive effect की, तब ये पॉइंट ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। एज वी डिस्कस टू टाइप्स ऑफ फिशन इज देयर, फर्स्ट इज होमोलैक्टिक फिशन। इन द होमोलैक्टिक फिशन क्या होगा, सिमिलर अपने खुद के इलेक्ट्रॉन लेके निकलेंगे एंड कन्वर्ट इनटू फ्री रेडिकल्स, वी डिडंट गेट एनी कैटायन इन द एनायन इन दिस टाइप्स ऑफ फिशन और बॉन्ड ब्रेकिंग। सो दिस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सच अ वे दैट ईच एटम सेपरेट विद one electron of the side pair, each atom acquires its initial configuration. So in general yahan pe humko kya milne wala hai, we will get free radicals, yahan pe humko milenge free radicals, clear? okay so dosto majority case mein ye kab hoga, तभी होगा जब कॉमन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस वाले कंपाउंड्स जुड़े हो, लाइक कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी बनती है फॉर दी होमोलैक्टिक फिशन, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। हियर वी हैव वन कंपाउंड ए बी, वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी ए, सेकंड वन फ्रॉम दी बी। फ्रॉम दी होमोलैक्टिक फिशन वी विल गेट ए फ्री रेडिकल एज वेल एज बी फ्री रेडिकल। ओके, दिस आर क्लोरीन एंड क्लोरीन, सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद दी वन इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। सो इसको दोस्तों आपने कुछ इस तरह से भी दिखाया था, दिस इज द क्लोरीन विद 1, 2 दोनों के एक इलेक्ट्रॉन, इसके अलावा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अगेन 1, 2, 3, 4 एंड 5, 6। ओके, एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया समझ लेना। ओके, दिस इज द इलेक्ट्रॉन पेयरिंग। ओके, अब जब ये बॉन्ड फिशन होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, बॉन्ड क्लीवेज होगा, बोथ क्लोरीन विल गेट इट्स ओन इलेक्ट्रॉन, सो वी विल गेट टू क्लोरीन फ्री रेडिकल्स। मैंने यहाँ पे दोस्तों बाकी के इलेक्ट्रॉन्स आपको इंडिकेट नहीं किए, वही इलेक्ट्रॉन आप यहाँ पे देख रहे हो तो बॉन्ड में पार्टिसिपेंट में प्रेजेंट थे। सिमिलर विद द हाइड्रोजन, इवन एक्चुअली दिस इज द मीथेन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, सो CH4। इसमें से किसी पर्टिकुलर एक बॉन्ड की बात करें, अगर यहाँ पे भी होमोलैक्टिक फिशन हुआ, वी विल गेट मिथाइल फ्री रेडिकल एंड दी H free radical, as you can see. So such atoms
प्रेग्नेंट एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एंड हैव वन अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक अनपेड इलेक्ट्रॉन के साथ ही मिलने वाले हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे. सो फ्री रेडिकल्स में डिफाइंड एज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम हैविंग अ अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन बाय द होमोलेक्ट्रिक फ्यूजन ऑफ अ कोवेलेंट बॉन्ड. सो आपको जो भी फ्री रेडिकल मिलेगे उसके पास मिनिमम एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा. देन दोस्तों यहाँ पे होमोलेक्ट्रिक फ्यूजन के लिए रिक्वायर्ड बॉन्ड एनर्जी का एक टेबल दिया गया है जो आपके लिए जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन है, इसकी कोई नीड नहीं है दोस्तों. ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, डेटा टेबल कुछ काम का नहीं है. बट अगर दोस्तों मेरे पास मिथेन है एंड माई नीड इज मिथाइल फ्री रेडिकल एज वेल एज हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, सो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज 105 किलो कैलोरी पर मोल. दिस गिवन वैल्यू वैल्यू इज इन द कैलोरी, इसको आप जूल में कन्वर्ट कर सकते हो. यू आर अवेयर फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन कैलोरी एंड द जूल ऑल्सो. ओके सो किलो कैलोरी एंड द किलो जूल, सो दिस इज इन द किलो कैलोरी वैल्यू. सो अगेन आई रिपीट दोस्तों, इसका नोट्स भी नहीं बनाना है, इसको जस्ट समझना है, देखना है, दिस इज ओनली फॉर द इंफॉर्मेशन. ओके सच अ फ्यूजन अकर्स इन नॉन पोलर बॉन्ड्स, मेजोरिटी केस में ये नॉन पोलर बॉन्ड में पॉसिबल बनेगा जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ही ना हो, जो हमने ऑलरेडी बात कर ली है. व्हेन बोथ द एटम्स लिंक्ड बाय द कोवेलेंट बॉन्ड हैव नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरिन क्लोरिन सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. ओके इन केस ऑफ कार्बन हाइड्रोजन नियरली सिमिलर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. होमोलेक्ट्रिक फिशन इज द मोस्ट कॉमन मोड ऑफ द फिशन इन वेपर फेज एंड जनरली इनिशिएट बाय द हाई टेम्परेचर. सो मेजोरिटी केस में आपको यहाँ पे हाई टेम्परेचर देखने को मिले कॉमन होगा. उसके अलावा आपको दोस्तों म्यू वी और यू वी अल्ट्रावायलेट लाइट देखने को मिलेगी, ये भी कॉमन होगा. सो मेजोरिटी केस में जहाँ पे भी रिएक्टिव इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल हो in all that cases high temperature or ultraviolet is required condition. So by the presence of the organic peroxide or catalyst ye ho sakta hai, that we are going to discuss later. Okay friends, after the homoelectric fission now it's time to learn about the heteroelectric fission. As we discuss in the heteroelectric fission kya hoga dosto, heteroelectric fission mein generally cation anion generated hoga. General case mein ye jo bond hoga पर्टिकुलर फॉर द हेटरोइलेक्ट्रिक फ्यूजन ये कैसा होगा, पोलर होगा. आई मीन टू से दोनों में से एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी और दूसरे की कम होगी. सो इजीली बॉन्ड फ्यूजन होने के बाद जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो वो एनायन फॉर्म में कन्वर्ट होगा और जिसकी कम हो जिसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करना पड़े दे कैन बी कन्वर्टेड इंटू कैटायन. सो यहाँ पे एनायन कैटायन जनरेट होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है. सो दिस इन्वॉल्व्स अ ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in such a way that both the electrons of the shared pair are carried away by one of the atom. So किसी एक ही एटम के पास ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे जिसकी हम बात कर रहे हैं. Then these types of fission occurs when the two atoms differ considerable in their electronegativity. In general दोस्तों अगर हम कार्बन हेलोजन की बात करें, सपोज कार्बन क्लोरीन, सो वी कैन से क्लोरीन इज मच 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 हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपैरिजन टू कार्बन. सो यहाँ पे दोस्तों अगर बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ सो हेटरोइलेक्ट्रिक ही होगा और ये कार्बन कैटायन बनेगा एज वेल एज ये क्लोरीन बनेगा एनायन. सो द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कैरिड अवे बाय द एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इन कंपेरिजन टू अदर. तो दोस्तों दूसरे की कंपेरिजन में वो क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा. एज यू कैन सी हियर द बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी इच इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ए एंड बी हियर इफ ए इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कंपैरिजन टू बी देन ए बिकम एनायन एंड बी बिकम कैटायन. सो ए इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव देन बी. जस्ट सपोज रिवर्सिबल इफ बी इज मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, अगर दोस्तों बी ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हुआ सो इलेक्ट्रॉन किसके पास आएगी, बी के पास. सो B बनेगा एनायन, A बनेगा कैटायन. सो B इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन A. सिंपल. देन इन द हेटरोइलेक्ट्रिक फिशन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द चार्ज और आयोनिक स्पीसीज. आयोनिक स्पीसीज बनेगा या फिर चार्ज कैरी करेगा कैटायन एनायन, वन हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज एंड अदर हैविंग अ नेगेटिव चार्ज.
एक के पास पॉजिटिव रहेगा और दूसरे के पास नेगेटिव। इन जनरल किसके पास पॉजिटिव किसके पास नेगेटिव, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो उसके पास नेगेटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेरेटिवली कम हो उसकी उसके पास पॉजिटिवली चार्ज। सो दिस टाइप्स ऑफ फिजन अकर्स मोस्ट रेडिली इन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स। दोस्तों मैंने पहले ही बता दिया था पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में ये ज्यादातर केस में कन्वर्ट हो गए। इज फेवर्ड बाय द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर अल्कोहल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ आयंस ड्यू टू एसिड और बेस। ओके एंड द कैटालिस्ट इवन एसिड कैटालिस्ट और बेस कैटालिस्ट। क्वाइट ऑफन द आयोनिक स्पीसीज फॉर्म बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन बेयर द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज ऑन द कार्बन एटम। इसी तरह से दोस्तों जैसे मैंने एग्जाम्पल थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, फिर से वही एग्जाम्पल, अगर कार्बन और हेलोजन होगा या फिर कोई ऐसा ग्रुप या कोई ग्रुप भी हो सकता है, सिंगल एलिमेंट भी हो सकता है जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो इन कंपेरिजन टू कार्बन। सो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा। ओके सच आयोनिक स्पीसीज आर नॉन एज अ कार्बोकेटाइन्स। अगर ये कार्बन रहा नॉन एज अ कार्बोकेटाइन वी कैन रो लाइक दिस ऑल्सो सीबी प्लस इज द कार्बोकेटाइन्स। और अगर दोस्तों ड्यूरिंग द बॉन्ड फिशन सामने वाला की कंपेरिजन में अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सैड इलेक्ट्रॉन इज कैरिड आउट बाय द कार्बन, इन दैट केस कार्बन बिकम्स कार्बन आयन। कार्बोकैटायन भी हो सकता है, कार्बन आयन भी हो सकता है। होमोलेक्टिक फिशन में कार्बन फ्री रेडिकल था, सो कैटायन फ्री रेडिकल एन आयन दे आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में उसका भी हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ओके so such ionic species are known as a carbocations or carbon ions according to the charge which carbon atom carry. Agar positive charge carry karta hai then carbocation, agar negative karta hai then carbon ion, theek hai. Then there is one example is given here, suppose CH3Cl, isko dosto main fir se draw kar raha hu, carbon with the 1 2 3 and 4 electron, here one hydrogen, second hydrogen and third hydrogen with the one electron, so this is the electron paired. Okay, here chlorine with the 7 electron, 1 2 3 4 5 6 and 7. agar dosto ye bond break hua to because of higher electronegativity kya hoga dosto, chlorine ke paas wo dono side electron aayenge, uske alawa uske khud ke jo electron the wo as it is rahega. dosto maine yahan pe indicate nahi kiya but they are there. okay, aur carbon ke paas kya rahega, you can see प्लस रहेगा, सो कार्बोकैटायन बना और क्लोरीन एनायन बना, दिस इज कार्बोकैटायन। सिमिलरली अगर दोस्तों यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन है जैसे कार्बन क्लोरीन था और बाय चांस सभी बॉन्ड में इसी तरह से इलेक्ट्रॉन से, बट ये आपको इंडिकेट करने के लिए बताया गया है दिस वन जिसमें कार्बन के पास अगर इलेक्ट्रॉन है बाय चांस विद द इन्फ्लुएंस ऑफ द एनी अदर चार्ज और एनी अदर सपोर्टिव ग्रुप। ज्यादातर गैस में ये फिशन नहीं होगा, कार्बन हाइड्रोजन फिशन नहीं हो सकता, सॉरी कार्बन हाइड्रोजन बाय चांस हुआ और उसमें भी इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन के पास आते देन कार्बन बिकम्स एन आयन नॉन एज अ कार्बन आयन। सो यहाँ पे कार्बोकैटायन में आप देख सकते हो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन रहेगी इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिटल और पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 and 2 फ्रॉम द पेयर, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन एंड द नेगेटिव चार्ज, 6 इलेक्ट्रॉन प्लस पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन, 8 इलेक्ट्रॉन प्लस नेगेटिव चार्ज कार्बन आयन, बोथ आर रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, थर्ड वन इज कार्बन फ्री रेडिकल। ये सबको दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आज का लेक्चर सबको पता चला होगा। सो दोस्तों अप टू दिस लेक्चर हमने होमोलेप्टिक एंड द इलेक्ट्रोलाइटिक फिशन देख लिया है, किस तरह से कार्बोकैटायन जनरेट हो सकते हैं, कार्बन आयन जनरेट हो सकते हैं और फ्री रेडिकल जनरेट हो सकते हैं। इन सब की स्टेबिलिटी किसी भी रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। और इसकी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमारी चारों इफेक्ट जो हमने ऑलरेडी पढ़ी थी, इंडक्टिव, इलेक्ट्रोमेरिक रेजोनेंस एंड दी हाइपर कॉन्जुगेशन, उसका भी क्या रोल हो सकता है, दैट वी विल गोइंग टू सी। टिल देन घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए।